नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के क्षेत्र नवाबगंज में बकसिंह गांव में हजार माल शहर उत्तरलाह के आस्थानों पर सालान उस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इंतजामिया कमेटी के मोहम्मद साहबुद्दीन ने बताया कि मंगल शाह की मजार शरीफ पर क्षेत्र के तमाम जारानी को अकीदा बनाया हुआ है। यह लोग अकीदा के साथ आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है, इसीलिए प्रतिवर्ष मुहर्रम की 21 तारीख को मंगल शाह की याद में उसे मनाया जाता है। इस मौके पर कव्वालियों का कार्यक्रम भी किया जाता है, जिसमें कव्वालियों का गायक शरीफ परवेज कानपुर व रुखसाना बानो बनारस के बीच जबरदस्त जवाबी कव्वाली पेश किया गया। कार्यक्रम आयोजक साहबुद्दीन खान एवं कमेटी मेंबर के सहयोग से मुकाबला कव्वाली आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अधिकारी नाना पारणूर चंद, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य संदीप जायसवाल व पुरुकनान अहमद पुरुक रहे। जवाबी कव्वाली के दौरान शांति व्यवस्था के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह समूचा पुलिस बल तैनात रखे, साथ ही जिसमें शांतिपूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इंतजामिया कमेटी के द्वारा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और कमेटी के सहयोग से भाजपा नेता पिंटू गुप्ता, अरुण खान आदि ने कार्यक्रम में भारी सहयोग रहा। हमारी देश अभी तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून चोरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। झोपड़ी सबका मादर भूल जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बाबा का मजार है, उस मजार पे हर साल उर्स हम लोग मनाते हैं और उस उर्स के मौके पे हम लोग प्रोग्राम कार्यक्रम कव्वाली का कार्यक्रम करते हैं। और इस कार्यक्रम सफल बनाने के लिए हमारे पिंटू भैया का सहयोग मिला और बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। ये लमसम काफ़ी दिनों से हमारे साथ में सहयोग कर रहे हैं, हमारे इसरार भैया हैं जो ये बहुत अच्छा सहयोग किए और गाँव के जितने भी यार दोस्त थे उनका साथ मिला, जो कमेटी के लोग थे उनका साथ मिला, इसलिए हम लोग इतना अच्छा सफल कार्यक्रम किए।
यह था बहराइच से राजेश चौहान की रिपोर्ट। और इसी तरह के खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।